कौन कौन सी मूवीज हो सकती हैं केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट, कौन कौन से विलन होंगे केजीएफ यूनिवर्स में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज, और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केजीएफ यूनिवर्स में हुई नई एंट्री। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। KGF यूनिवर्स बन रहा है, ये मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है, तो इसीलिए आज हम लोग बात करेंगे कि इस KGF यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज और कौन कौन से विलन्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात करूं KGF यूनिवर्स की मूवीज की, तो शुरुआत होती है KGF चैप्टर 1 से, जहां हमें मेन हीरो में हमें रॉकी भाई दिखते हैं और मेन विलन में गरुड़ा। और मुझे गरुड़ा के लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो बेचारा रॉकी को बिना देखे ही मर गया। और ये फिल्म इतनी तगड़ी थी कि इसकी वजह से चैप्टर 2 को इतनी हाइप मिली चैप्टर 1 के बाद आते ही चैप्टर 2, जिसमें भी मेन हीरो रॉकी ही थे। और इस मूवी में तो विलन्स की कोई कमी थी ही नहीं, मतलब अधीरा, रमिका सेन, गुरु पांडियन, इनायत खलील और शेट्टी, जिसमें से सिर्फ रमिका सेन और इनायत खलील ही जिंदा बचे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली KGF 3 में भी इन्हीं के सीन्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब KGF 2 ने लिटरली इतिहास बना दिया है, और इस मूवी का कंपैरिजन हम किसी भी देसी मूवी से नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका लेवल तो हॉलीवुड का है। अब KGF चैप्टर 2 के बाद आती है सलार, जिसमें हमें हीरो के तौर पर प्रभास नजर आएंगे और विलन के तौर पर जगपति बाबू, और इनके अलावा मूवी में हमें पृथ्वीराज भी दिखेंगे। तो ये कह सकते हैं कि अभी तक फैंस को जो भी थ्योरी जो फैंस सोच रहे हैं KGF चैप्टर 3 को लेकर, वो अब धीरे धीरे सच होती हमें दिखाई दे रही है। मतलब हम फैंस कितने क्रिएटिव हैं, हम सब ने पहले से ही प्रेडिक्शन कर ली थी। अब सलार के बाद नाम आता है बघीरा का, जिसमें मेन हीरो होंगे श्री मुरली, और इस फिल्म के विलन का अभी कुछ नहीं पता है। अब यहीं से समझने वाली बात यह है कि श्री मुरली का बघीरा का करेक्टर हीरो का होगा, लेकिन KGF चैप्टर 3 में वो विलन होंगे, क्योंकि बघीरा मूवी में हमें बघीरा का इंट्रोडक्शन दिखाया था कि वो कितने अच्छे हैं या कितने बुरे पुलिस ऑफिसर हैं। हालांकि वो पुलिस ऑफिसर हैं, इसका मतलब वो रॉकी भाई के दुश्मन ही हुए, क्योंकि रॉकी और पुलिस का 36 का आंकड़ा है, और इसीलिए हम फैंस के लिए ये तो बुरे ही होंगे। अब यहाँ तक कि मूवीज़ के बारे में ये भी सही है और ये भी पता चला है कि असली खेल शुरू होता है अब। बघीरा के बाद जिस मूवी का नाम आता है वो नाम है रिचर्ड एंथनी, जिसने इस मूवी का अनाउंसमेंट टीजर देखा है। वो जानता है कि ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये मूवी भी KGF से जुड़ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो इस मूवी से हमें रॉकी के जिंदा होने या ना होने का कोई सबूत मिल जाएगा। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये मूवी KGF से जुड़ेगी या नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं आई है। रिचर्ड एंथनी के बाद नाम आता है जूनियर NTR की NTR 31 का, क्योंकि इस फिल्म के पोस्टर में जो लोग NTR का है वो प्रभास की सलार में मिलता जुलता ही हमें दिखाई दे रहा है। और जब से इस फिल्म को अनाउंस किया गया है तभी से ही फैंस KGF यूनिवर्स के पार्ट का मन बना लिया है। अब फैंस ने इस मूवी के लिए मतलब KGF का पार्ट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इस मूवी में मेकर्स में प्रशांत नील का नाम आया है, और इन सब मूवीज के बाद नाम आता है KGF चैप्टर 3 का नाम, यानी कि KGF का एंड गेम, जिसमें हमें यश, प्रभास, पृथ्वीराज और प्रोबेबली NTR देखने को मिलेंगे, और इन हीरोज के सामने होंगे बड़े बड़े विलन, जिनमें रमिका सेन और इनायत खलील सबसे बड़े विलन होंगे। अब जहां तक हमें पता है कि KGF चैप्टर 3 में रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स को दिखाया जाएगा, तो देखो चैप्टर 1 में बॉम्बे दिखा था,
चैप्टर 2 में हमें इंडिया देखा था और चैप्टर 3 में पूरा वर्ल्ड दिखाई देगा और हो सकता है कि KGF 3 के बाद इन सब करेक्टर्स की पर्टिकुलर मूवी आए जैसे मार्वल और DC में होता है। तो ये थी KGF यूनिवर्स की मूवीज में कुछ मूवीज, हमें पता है लेकिन बाकी अभी भी कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इन मूवीज के अलावा आपको कौन सी मूवीज लगती हैं जो KGF यूनिवर्स का पार्ट होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में।